80 से 90 पाउंड हवाइस में, तो इसको ऐसे चलाना पड़ेगा क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है, कोई भी नहीं मिलेगा आजकल, आपको पता है यार। भाई को अकेले चलाने देता हूँ तो भाई का दिल भी खुलेगा। तो पहले मरिंडा पार करता हूँ, वहाँ शायद एक गाड़ी वाला भाई अपना वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है चलो आपको बताता हूँ वहीं पहुँच करके। मेरा फर्ज बनता है कि भी अब पहले भाई को ही भेजें, तो भाई आपको भेज रहा हूँ लोडिंग करने के लिए, ठीक है। और अनीश भाई का फोन आ गया राज ट्रांसपोर्ट से, बोलते भाई आप भी आ जाओ, शायद कोई माल बन गया है। हेलो गाइस, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त हेमराज, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रक हीरो में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, रात के बज रहे हैं 12:30 और आज डेट होगी भी है 29 और आज है सोमवार। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी घर से निकल रहा हूँ अबोर के लिए, अबोर या गंगानगर कहीं के लिए भी। तो वहाँ मेरी बात हुई थी यश भाई से, जो कि अपने ट्रांसपोर्टर भाई है जैसा कि आपको पता ही है। तो उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे हैं अभी कल को शायद लोडिंग बढ़ सकती है, एक दो डिमांड आई है उनके पास। तो चलिए घर से निकलने की तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर दी हुई है, अभी लेट नाइट ना धो के आया, अभी गाड़ी में बैठा हूँ और पहला सेल्फ मारने जा रहा हूँ रात को। तो चलिए पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। लो जी लो, गाड़ी होगी है स्टार्ट। अभी प्रेशर थोड़ा लो है ना, आज दो दिन के बाद स्टार्ट करी इसलिए प्रेशर भी लो है, इसलिए टीं टीं कर रहा है। उतने में जितने में प्रेशर बनता है उतने में आप ये कर लो, चैनल पे जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब भाई कर दो प्लीज, फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। मेरे को पता है आप लोग बहुत से बंदे कंटिन्यू वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई ये तो गलत बात है ना यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो बस जैसे ही प्रेशर बनता है निकलते हैं, मैं लाइट वगैरह कर लेता हूँ तब तक ऑन। हेलो, और रात का समय हो रहा है यार, अब क्या करें भाई, जाना तो पड़ेगा। आज पूरा 6 दिन के बाद जा रहा हूँ घर से, पूरे 6 दिन घर में खड़ी रही गाड़ी और अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो भगवान से प्रार्थना करना हमारा सफर सही रहे, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो चलिए प्रभु श्री राम का नाम लेके करते हैं अपना सफर की शुरुआत। पहले गाड़ी में कर लेते हैं 2 बत्ती फिर निकलते हैं यहाँ से। लो जी प्रेशर बन गया अब ऑलमोस्ट, चले फिर कुलदीप भाई। चलो सबसे पहले सबको जय श्री राम। चलो भाई निकलते हैं फिर यहाँ से, है ना। एक बार आपको बाहर जाके दिखाते हैं जरा रात का व्यू। लो जी दोस्तों निकल गए हम अपने रूट पे, और ये बाबे का मंदिर हमारे गांव का, जे हो चलो चलते अब। चलो जी उस्ताद जी, जे हो चलो जी चलो, मैं निकाल के लाता हूँ जरा। तो घर से निकले अभी 2 किलोमीटर आगे आए हम यहाँ राजपुरा। तो हमारे पास कैश भी कुछ नहीं था, तो मैं कहा चलो कैश निकाल लेते हैं, इधर पास में है ATM एक्सिस बैंक का, यहाँ से मैं क्या कैश ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कैश तो अपने को लगेगा, मान लो डाला कमीशन देने के लिए। अरे भैया खुल जा, ये तो शुक्र है चलो आज फॉग वगैरह नहीं है, है ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो मैं निकालता हूँ जरा इधर से कैश। चलो जी चलो ATM से आ गए हैं कैश निकाल के। ऐसे तो हमने अभी आगे जाके ना अपनी गाड़ी में डीजल भी डलाना था, लेने को तो हम पंप से भी ले लेते लेकिन कई बार पंप पर भी नहीं होते पैसे, फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं ज़्यादातर तो हम पता क्या करते हैं, जैसे जहाँ हमने डीजल लेना होता है पेट्रोल पंप वालों से ही लेते हैं 2-4 हज़ार रुपया, तो वो दे भी देते हैं। और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कई लोग तो पैसे भी चार्ज करते हैं कैश लेने के, उधर कई बार जाते हैं ना हम जैसे UP में, यहाँ कहीं और जगह भी मैंने देखा है वेस्ट बंगाल में, अगर उनसे पैसे मांगे जैसे भैया कैश दे दो तो 2000 पर भी ले लेते हैं पैसे, 20-50 रुपया, तो सही भी है अब नहीं भी है। हमारे यहाँ तो भाई 1 रुपया नहीं लेते हैं पंप पर। तो चलिए अब सीधा पंप पे ही मिलता हूँ आपको, जाके मैंने डीजल डलाना है गाड़ी में, क्योंकि अभी है तो है हमारे पास टैंक, देख रहे आप आधा है हमारा,
फिर भी इधर ही फुल करवा लेंगे, क्योंकि ऐसा ना अपने हिमाचल में सस्ता है थोड़ा तेल। चलो तो आपको सीधा पंप पे ही मिलते हैं जाके। अब पहुंच गए अपन पेट्रोल पंप के ऊपर, तो करवाते हैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल। भाई खोलो ढक्कन कुलदीप भाई, खोलिए जरा। रेट तो आपको वो 87.47 सही है। खोलो भाई, करो भाई फुल कर दो। और मेरे को ना इस टायर में भी हवा कम लग रही है, देख रहे हैं आप, बैठा है शायद थोड़ा है कुलदीप, इसमें हवा कम है टायर में, इसका बाल हो गया होना लीक फिर से। आगे टायर आड़े के बाद देख ना कहीं इसमें हवा डलवानी पड़ेगी। अभी इधर ही है पेट्रोल पंप पर ही, चलो देखते हैं इसको आगे डलवाना पड़ेगा। 5-6 दिन खड़े को हो गए ना यार, इस टायर ने बड़ी दिक्कत कर दी भी है। नहीं यहाँ पेट्रोल पंप पर छोटा होता ना इनका, ये कार कोर में डलती है, ऐसे ट्रक में नहीं डलती। आगे होटल है, होटल पे करके देखेंगे यार। चलो तो तेल डाल के यहाँ से फटाफट निकलते हैं, आगे जाके इसमें कहीं डालते हैं जरा हवा। मेरे को लग ही रहा था ना, कह रहा गाड़ी इधर को दब रही है कोई, मतलब ड्राइवर साइड को, इसमें मेरे को लगता है 80 पाउंड हवा है। जाके करवाते हैं इसको भी सेट। लो जी ये आ गया है घनोली, जो कि पड़ता है पंजाब में, और सामने हमारे को जो 4 लाइन आ रहा है ना, ये आता है चंडीगढ़ से रोड, कीरतपुर मनाली ऊना नंगल। ये रोड है जी भाई, यहाँ से रोपड़ रह गया अब सारा 9 या 10 किलोमीटर है रोपड़। मोरिंडा, लो जी भाई मोरिंडा पहुंच गए हैं। मोरिंडा है कोई यहाँ से देखने वाला तो कमेंट कर लो। मैं आया सीधा रोपड़, रोपड़ से आ गया हूँ मोरिंडा वाली साइड, और यहाँ से जाना है मेरे को श्री फतेहगढ़ साहिब और सरहंद पटियाला होते हुए निकलेंगे अबोर के लिए। तो अभी तो पहले मोरिंडा पार करता हूँ, वहाँ शायद एक गाड़ी वाला भाई अपना वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है चलो आपको बताता हूँ वहीं पहुँच करके। पहले तो मोरिंडा पार कर लेते हैं जरा, यहाँ से हमको आई थिंक ड्राइवर साइड मुड़ना है। हाँ देखो घोड़ा जा रहा आगे ट्रैक्टर लेके, सोनाली का भाई, किस किस को सोनाली का ट्रैक्टर पसंद है भाई कमेंट करो। देखो कितने सारे सोनाली का के ट्रैक्टर जा रहे हैं, देखो तो मैं जूम करता हूँ, देखो भाई मोरिंडा कर दिया भाई हमने पार। इधर हो गया आई थिंक गाड़ी कहीं खड़ी, हाँ वो खड़ी है शायद, हाँ यही है भाई। गाड़ी को जरा इधर दबाता हूँ मैं साइड को, तो चलो जी अभी आगे पहुंच गए वे हम मोरिंडा। मोरिंडा कर लिया है पार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो चलिए आपको भाई से भी मिलाते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई हमारा वेट कर रहे थे भाई यार मोरिंडा में, और ये रही भाई की गाड़ी अशोक लेलैंड। इस बार आपको भी मजा आने वाला है भाई, अशोक लेलैंड के जो लवर है ना, इस बार शायद साथ में ही ट्रिप करने जा रहे हैं, और लॉन्ग ट्रिप होगी इस बार की, जो भी होगा कल बताएंगे, फिलहाल तो जा रहे हैं। बाकी सबसे पहले भाई का परिचय करवाता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? संजू। और कहाँ से आप? शिमला। धामी के रहने वाले आप है ना? धामी से अपने को देखने वाले बहुत है भाई, बहुत इंतजार कराया भाई आपको यार। अरे मेरे थोड़े टायर में हवा कम है, देखो तो ये 80-90 पाउंड है हवा। अब कहीं मेरे को पंचर वाला इस टाइम रात को मिलेगा नहीं, तब दिक्कत हो रही है। बहुत ट्राई किया हमने बट मिला नहीं कहीं नहीं, तो अब इसको ऐसे ही करते हैं, चाय पीते हैं यहाँ, और चाय पी के फिर निकलेंगे। इतना शुक्र है धुंध नहीं है पड़ी हुई, पीछे रोपड़ वाली साइड में थी थोड़ी बहुत पड़ी हुई, यहाँ नहीं है।
तो इसलिए हमारा सफर सही हो जाएगा धुंध ना होने की वजह से। अकेले हो आप? है बंदा साथ। सही भाई, चलें कुलदीप भाई चाय वगैरह पी लेते हैं ना, फिर निकलेंगे। ठीक है भाई, भाई करो आप। और ये रही अपनी टाटा और साथ में ले लैंड लवर भाई, जो जो ले लैंड से प्यार करते कमेंट जरूर कर देना और बताना भाई कैसी लगी आपको ले लैंड। बाकी इसका फुल वीडियो आपको बताऊंगा सवेरे, इसकी लुक अलग ही आएगी। ये अपने यूनियन की गाड़ी है, जहाँ हमारी यूनियन है निरमंड में, मतलब अपर पहाड़ की गाड़ी है, जहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ वहाँ की गाड़ी है भाई ये। तो ये चेक कर लो आप, तब तक चलो चाय पीते हैं। यहाँ खुला है देखो एक होटल ना, चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों निकलने लगे हम चाय पी के, और ये दूसरी गाड़ी हमारे साथ वाली। ये रही अपनी गाड़ी, और ये रहा सामने वाला होटल। दोस्तों पहुंच गए हैं शहर पटियाला, और टाइम हो रहे हैं जी सुबह के ऑलमोस्ट 4:15। आई थिंक हमारे को यहाँ से ड्राइवर साइड मुड़ना है। हाँ यस, तो अगर मेरा भाई कोई पटियाला से देख रहा है तो भाई कमेंट कर देना आपके शहर पटियाला की सड़कों पे घूम रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 4 और हल्की हल्की धुंध भी पड़ी हुई है इधर पीछे पीछे, तो बहुत ज्यादा थी। जैसे हम सरंद से इधर को आए ना, तो उधर को ज्यादा थी धुंध पड़ी। अभी खैर पटियाला शहर में तो इतनी है नहीं है ना धुंध। बाकी भाई आगे को दिखाओ, करते हैं फटाफट अब शहर भाई पार पटियाला। काफी टाइम बाद आया यार गाइस अंदर से मैं सिटी में, काफी टाइम के बाद आया, कोई साल से ऊपर होगा ना, पिछले साल ही आए थे हम इधर से। क्योंकि इधर क्या होता है, नो एंट्री होती है, दिन में तो गाड़ी शायद आ नहीं सकती है, तो रात को ही आना पड़ता है इधर, नहीं तो गाड़ी बाहर से घूम जाती है बाईपास होते होते। तो करते हैं फटाफट पटियाला पार, मिलता हूँ आपको पटियाला पार करने के बाद। तो दोस्तों पटियाला कर दिया है पार, और अभी आगे खड़े हम चन्नो वाला टोल टैक्स है, देख रहे हैं आप पीछे, ये है चन्नो वाला टोल टैक्स। और टाइम हो रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 4, और लिटरली थोड़ी ठंड भी लग रही है बाहर आके। तो अब जाके करने लगे हैं भाई हम शिफ्ट चेंज, तो अब कुलदीप भाई चलाएगा गाड़ी। और टायर का ऐसा हुआ, अब कहीं बंदा हमारे को मिला नहीं, 80 से 90 पाउंड हवा इसमें, तो इसको ऐसे चलाना पड़ेगा क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है, कोई भी नहीं मिलेगा आजकल, आपको पता है यार, है ना। तो कोशिश तो हमने बहुत की, हर ढाबे होटल पे देखते हैं टायर पंचर वाले को, बट नहीं मिला। तो अब करते हैं ऐसा, मैं जाऊंगा पिछली गाड़ी में, कुलदीप भाई को चलाता हूँ आगे आगे, अकेले चलेगा भाई। तो वैसे तो चला रहा हूँ फुल गाड़ी, फिर भी यार जब मैं साथ होता हूँ ना, फिर बंदा डरता है थोड़ा, जब उस्ताद साथ में बैठा होता है। अब ऐसा है भाई को अकेले चलाने देता हूँ, तो भाई का दिल भी खुलेगा थोड़ा। तो भाई के साथ मैं, इनके साथ है बंदा भाई के साथ, उसको भेजता हूँ जरा। भाई आपके साथ जो भाई है बैठे हैं कि सोए हैं? बैठे हैं, इनको इनके कुलदीप के साथ बिठा दो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा ना अब, फिर शूट करते हुए चलेंगे। बढ़िया, चलो भाई आप आओ, आप इधर बैठो भाई के साथ, बैठो बैठो आप। तो कुलदीप भाई के साथ बिठाते हैं इसको, चलें भाई फिर कुलदीप भाई, चलो फिर चलो निकालो गाड़ी। चले सर, चलो वाजी वाह, चलिए भाई अशोक ले लैंड के अंदर चलो सर।
ये जो सर्कल आ रहा ना भाई आगे, यहाँ से हमने लेफ्ट साइड को घूमना है, ठीक है। हाँ, मेरी साइड को आन देना आपने, बिल्कुल हमने इस लेफ्ट साइड को होना है। चलो जी, चलो आन दो आन दो आन दो। तो दोस्तों, हम बठिंडा पहुंच गए हुए हैं, बठिंडा पार कर लिया हमने, बाईपास हो गए हुए हैं अपना अबोर और मलोट वाले रोड के लिए। देख रहे आप, अपना ये आ गया पुल और साथ में इधर थर्मल प्लांट आ गया बठिंडे वाला। और ऑलमोस्ट टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं, अब जाके सुबह लगी होने, अब दिन मतलब खुलने लग गया हुआ है। और कुलदीप भाई चल रहे हैं अपने पीछे, मैं मस्त भाई के साथ बैठा हूँ, भाई के साथ ही तब से चल रहे हैं दोनों भाई मस्त। अब आगे जाके कहीं रुकते हैं भाई नहीं, है ना, चाय वगैरह भी पिए कहीं आगे, देखते इधर बठिंडा क्रॉस करके ना आगे रुकते हैं कहीं, फिर मिलते हैं आपसे जरा भाई, इधर ही देखते हैं आगे कहीं चाय वाला। तो लो जी, मलोट से थोड़ा पीछे आके हो गए खड़े, इधर एक होटल है, यहाँ आके मारी है ब्रेक सुबह की चाय पीने के लिए। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो ये लगाई अपने अपनी गाड़ी, बस कुलदीप भाई बस, अब यहाँ टायर वाला भी है, टायर वाले भाई को पूछते हैं जरा हवा हुआ डालता है कि नहीं, और चाय भी पी लेते हैं। और बाकी भाई कमेंट करके बताना कैसी लग रही दोनों गाड़ियाँ फ्रेम में। ये है टायर वाला, पता नहीं खुल गया होगा कि नहीं खुला होगा ये। अरे कोई नहीं, टायर वाले को पूछ लेते हैं हवा डल जाएगी नहीं, हैं पूछ लेंगे ना तब, साथ में चाय भी पीते हैं। धुंधे अभी भी रही यार, आज मौसम फिर देखो कैसा है, हमने सोचा था धूप निकलेगी लेकिन आज भी धूप नहीं निकली, आज भी मेरे को लग रहा है देखो मौसम कैसा है, होप निकल जाए धूप। चलो पहले तो टायर का करते हैं कुछ, हवा डलवाने का भाई को बुलाते हैं जरा। टायर वाला भाई तो उठ ही नहीं रहा था, बोलता पाइप ले जाओ खुद ही और खुद ही डाल दो, पाइप तो हमने गाड़ी के नीचे डाल दी है, अब जाके हवा डालते हैं जरा। आ गई पाइप इधर, एक मिनट दही जरा डा मार मार हवा। तो लो जी, लो हवा वगैरह हमने डाल दी है खुद ही, सेल्फ सर्विस थी, दोनों गाड़ियों में कर दी चेक, इधर वाले टायर में भी थी थोड़ी कम, इधर 140 पॉइंट थी इसमें भी कर दी पूरी, और भाई ने भी कर दी अपनी गाड़ी में हवा कंप्लीट, इनके भी एक टायर में 20 पॉइंट हवा कम थी। चलें भाई फिर, हैं भाई चलें फिर निकलते हैं ना, और अपना टायर भी अब देखो सही हो गया भाई। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से, 8 बजने को आगे हैं, थोड़ी देर में हमने अबोर पहुँचना है भाई, जाके अब करते हैं गाड़ी गुड़ी लोड भी करनी है। तो चलिए फटाफट निकलते हैं भाई यहाँ से, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, और कुलदीप भाई साथ में धूप बत्ती भी लगे करने अब। तो दोस्तों हम आके पहुँच गए थे जी अबोर में, बाकी एक मिनट फोन आ रहा जरा ट्रांसपोर्टर भाई का। हाँ जी भैया। हेलो। हाँ जी भैया, मैं कह रहा था गाड़ी रवाना कर दो, ड्राइवर नंबर गाड़ी नंबर मेरे को भेज दो। तो भाई खड़े हुए थे, अब बोर पहुंच गए थे हम, आधे एक घंटा हो गया है, तो अभी डिमांड आई है एक गाड़ी की, तो सबसे पहले अब देखो भाई मेरे साथ आया है ना, मतलब ये भी हमारे घर के आए हैं, तो सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है कि भी अब पहले भाई को ही भेजें। तो भाई आपको भेज रहा हूँ लोडिंग करने के लिए, ठीक है, क्रेट और डब्बा, या डब्बा होएगा मिक्स माल, मतलब जाड़े के अंदर अंदर लोड होएगी गाड़ी, ठीक है, तो आप निकलो लोडिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में। तो भाई को भेजता हूँ गंगानगर में राज ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में भी, तो भाई के पास भेजता हूँ, बाकी हमारा बन ही जाएगा थोड़ी देर तक, अगर नहीं भी बनेगा तब भी, मतलब भाई बोल रहा है भी आज की डेट में आपका भी बना देंगे कोई ना कोई, फिलहाल भाई को भेजता हूँ मैं एड्रेस वगैरह दे के। तो भेज दिया है भाई को लोडिंग करने के लिए, ठीक है भाई जाओ आराम से जाओ। भाई जा रहा है रिको,
गंगानगर और मैं अभी खड़ा हूँ बोर में बाईपास में। ये सामने देख रहे हैं आप चंडीगढ़ ढाबा, देखो यहाँ खड़ा हूँ बाईपास में। अब देखते हैं अभी थोड़ी देर तक हमारे को भी आ ही जाएगा कोई ना कोई प्रोग्राम, तो हम भी निकल जाएंगे फिर। तो चलो बने रहना वीडियो में, बताता हूँ आपको फिर भी क्या बनता है हमारा लोडिंग का। चलो भैया चलो, ये है जी आलमगढ़ चौक अबोर बाईपास और हम भी निकल गए हुए हैं जी गंगानगर वाली साइड को। अनीश भाई का फोन आ गया राज ट्रांसपोर्ट से, बोलते भाई आप भी आ जाओ, शायद कोई माल बन गया है, बोलते आप इधर ही आ जाओ गंगानगर ही। तो बस निकल गया हूँ मैं भी, 8-10 किलोमीटर आगे गई होगी दूसरी गाड़ी, उन्होंने भी भाई ने वहीं जाना है। तो चलो फटाफट उनको भी पकड़ते हैं फिर साथ ही जाते हैं उधर को। अब देखते हैं कहाँ कहाँ माल बना भी, ये तो नहीं मेरे को पता। वह भाई ने बुलाया, बोलते आप जाओ आप ट्रांसपोर्ट पे। बस जस्ट निकला हूँ यहाँ से, अभी देखो 10:45 हुए टाइम भी, और अपना सीधा जा रहा रास्ता गंगानगर के लिए। ये एक करो तो चलिए जी पहुंच गए हैं गंगानगर। दूसरी गाड़ी भी मिल गई थी हमारे को रास्ते में, तो दोनों भाई पहुंच गए हुए हैं। ये देखो लोकेशन राज ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो चल रहे हैं भाई, अब चलो आ जाओ चलो। फिर ऐसा ना, अब भाई इंतजार नहीं हो रहा, आज सातवां दिन हो गया भाई, अब तो फटाफट कोई लोड चाहिए। पूरा हफ्ता हो गया बेकार घर पे पड़े रहे को, अब तो फटफट जा रहे हैं। उधर गाड़ी खड़ी देखो, उसका भी नंबर 1923 है, 923 इसमें भी है, इसमें भी 923 है, सही है। चलो भाई आ जाओ। तो चलो चलता हूँ मैं, जब मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर जाके आता हूँ जरा। तो दोस्तों फाइनली आ गए हुए हम ट्रांसपोर्ट के अंदर, और ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांसपोर्ट का दफ्तर राज ट्रांसपोर्ट गंगानगर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने इनका नंबर भी डाला है कार्ड समेत भी। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोल्ट का फोटो है लिया है बाहर, वहाँ से आप इनका नंबर ले सकते हो स्क्रीनशॉट मार के, मैं यहाँ से आप कॉल इंडिया का माल मिल जाएगा। और बातों ही बातों में हमारी भी लोडिंग भी हो चुकी थी कन्फर्म, और वो बैठे हैं सामने अनीश भाई जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ये पार्टी से बात कर रहे थे। चलो जी चलो दोस्तों, मिल गई है बिल्टी, चल पड़े हैं अब लोड करने। बताता हूँ आपको जाके पहुँच के, जहाँ हमने लोड करनी है गाड़ी वहीं पहुँच के बताता हूँ अभी कहाँ को लोड करनी है। पहले तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये देखना ताकी बजेगी ऊपर। हाँ वही काम हो गया। हाँ कुलदीप भाई चलें फिर। चलो चलो फिर। तो गाइस हम पहुंच गए हुए हैं जहां से हमने गाड़ी भरनी है, वहां पर कांटा वगैरह करा के आगे हुए थे। तो फिलहाल तो अभी इनका लंच टाइम हो रहा था ख़त्म, अभी दिन के बज रहे हैं 2। दोस्तों फिलहाल आज के लिए रखते हैं इतना ही, अभी गाड़ी वगैरह लोड होनी है हमारी। तो और कहां जा रहे हैं हम इस ट्रिप, वो सब आपको पता चलेगा अगली वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस, अगली वीडियो का इंतज़ार करना।